का सबसे बेस्ट। हम लोग का प्रयास है उसको जल्दी जल्दी शुरू करना, सिस्टम लगभग तैयार है, कुछ इश्यूज हैं, जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएंगे हम लोग का प्रयास है हफ्ते 10 दिन में उनको हम शुरू कर सकें, ताकि क्योंकि पर्यटकों का संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और टर्नस्टाइल गेट लगाने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वर्तमान में हमारे पास जो है टूरिस्ट के लिए दोनों गेट पर 4-4 फिस्किंग पॉइंट हैं, जिससे चेकिंग होकर टूरिस्ट ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो फिस्किंग पॉइंट की संख्या बढ़ के दोनों गेट पर 7-7 हो जाएंगे, तो 8 की जगह जो है 14 गेट हो जाएंगे, ताकि पर्यटकों को जो एक लंबी लाइन की एक समस्या आती है उससे उनका बचाव होगा, उसमें कम समय देना होगा। दूसरा फिस्किंग पॉइंट जो है ताजमहल के अभी अंदर जो फिस्किंग होती है वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी, तो जो मेन प्रवेश द्वार है जो केवल 4.5 मीटर चौड़ा है वहाँ भी एक उसका एक बॉटलनेक बनता है क्योंकि लाइन लगने की वजह से, तो एक वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। जब हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी तो अंदर ताजमहल के अंदर जो समय लगने वाला समय है निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है कि 3 घंटे में ताजमहल देख के वापस आना होगा।